आज जिस चीज को करने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा दोस्त, क्योंकि अगर आप थंबनेल देख के इस वीडियो को क्लिक किए हो तो आई नो डेट 100% कंफर्म हो गया होगा कि आज का वीडियो क्या होगा और क्या होगा इस वीडियो में। तो दोस्त सबसे पहले तो अगर थंबनेल देख के वीडियो को क्लिक किए हो, अगर वीडियो को देखने के लिए आया हो तो आई नो डेट 100% कंफर्म है या तो तुम डिप्रेशन में हो, नहीं तो तुम्हारा कोई जानने वाला डिप्रेशन में है। तो आज उन्हीं सब चीजों को बात करूंगा, आज स्पेशली उन सब चीजों को क्लियर करूंगा और उन सब चीजों को बताऊंगा, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा, क्योंकि दोस्त मैं भी उस चीज से एक साल तक जूझ चुका हूं और एक साल काटने के बाद उस चीज से मैं बाहर निकला था। तो आज उन्हीं सब चीजों को क्लियर करूंगा कि क्या होता है और कैसे कैसे होता है। तो दोस्त अगर सही में तुम डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हो तो वीडियो को कंटिन्यू करना और वीडियो को पूरा देखना, 100% कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आई नो डेट आप उस सब चीजों को करके आई नो डेट 100% उस चीज को रिकवर कर पाओगे, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं का कुछ है और इधर का उधर का कुछ भी नहीं है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा क्या होता है और कैसे होता है। सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्त, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, खुद का एक्सपीरियंस है और खुद अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इस चीज को क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं खुद उस चीज की वजह से एक साल तक परेशान था और पूरा का पूरा एक साल मेरा बर्बाद हुआ है केवल डिप्रेशन की वजह से। कि डिप्रेशन में क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है और एक इंसान डिप्रेशन में कैसे चला जाता है और उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो इन सब चीजों को क्लियर करूंगा। और स्पेशली मैं बात करूं तो दोस्त मैं डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए कभी किसी डॉक्टर से नहीं मिला या कभी भी कोई दवा नहीं खाया हूं, अपने आप उस चीज को रिकवर किया हूं, क्योंकि पता तो चल ही गया था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और ऐसे समझ सकते हो बहुत सारे तो बंदे ऐसे हैं, बहुत सारे तो पर्सन ऐसे हैं कि उनके माइंड में ऐसा सेटअप हो चुका है, एक हवा सा बन गया है और एक डर बन गया है कि डिप्रेशन तो एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, जो एक बार हो गया पता नहीं क्या क्या होगा मेरे साथ। तो सिंपल सी बात समझो, अगर मेरी लैंग्वेज में, अगर मेरे तरीके से डिप्रेशन को समझना चाहते हो तो डिप्रेशन का मतलब अवसाद होता है, लेकिन मैं जिस डिप्रेशन को समझता हूँ उस डिप्रेशन का मतलब होता है डर। एक इंसान जब डिप्रेशन में होता है तो डर जाता है और डर उस पर हावी होता है। तो स्पेशली डिप्रेशन का काम ही यही होता है, एक नॉर्मल इंसान को डराना और उसको अंतिम टाइम तक सुसाइड तक लेके जाना, क्योंकि 100 में से 70% ऐसे डिप्रेशन के पेशेंट है जो सुसाइड करते हैं, 30% ऐसे हैं जो रिकवर कर पाते हैं। तो इन सब चीजों को क्लियर करना, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और खुद बताऊंगा कि मैं इस चीज से कैसे बाहर निकला और कैसे रिकवर किया। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बहुत सारा पता नहीं क्या क्या फलाना ढींगना बताते हैं, तो सही है एक तरीके से, वो भी सही है क्योंकि है तो डॉक्टर ही, पूरा साइंटिफिक तरीके से आपको समझाता है क्या है, कैसे है, क्या क्या होता है। लेकिन मैं आज खुद का एक नॉर्मल इंसान के तरीके से और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और बताऊंगा कि एक इंसान कैसे डिप्रेशन में जाता है और उस चीज से कैसे बाहर निकल सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सब चीजों को समझना है दोस्त, अगर वीडियो पे आए हो तो वीडियो को पूरा देखना, एक एक मिनट का बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और बहुत ही, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि आपके लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहुत सारे तो ऐसे पर्सन है जैसे गांव कस्बे के लोग हैं जो गांव में रहते हैं, जो बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो डिप्रेशन को समझते ही नहीं है कि डिप्रेशन है क्या, डिप्रेशन उनको ऐसा भी नहीं लगता कि डिप्रेशन एक बीमारी है, यहाँ तक कि वो डिप्रेशन को इस तरीके से भी नहीं समझते हैं कि डिप्रेशन क्या है। बहुत सारे अगर वैसे समझा जाए तो जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ के लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है कि डिप्रेशन क्या है और क्यों होता है और किस लिए होता है, तो उनके लिए तो इसके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन मेरी लैंग्वेज में उन लोगों को भी समझने में आसानी हुआ कि डिप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो डिप्रेशन को समझना होता है कि डिप्रेशन है क्या। तो दोस्त पहले ही मेरे चैनल पर एक डिप्रेशन का वीडियो पड़ा हुआ है, व्हाट इज डिप्रेशन करके, आप उस वीडियो को जाकर देखो, आपको सही में पता चलेगा कि डिप्रेशन क्या है और कैसे कैसे होता है और क्यों होता है। तो आज जिस चीज को समझना है खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि दोस्त मैं भी इस चीज से एक साल पूरा बर्बाद किया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है और बहुत ही सही ढंग से इस चीज को समझता हूँ कि कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंसान, हर बात में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। ऐसे समझ सकते हो ना कि आप इन सब चीजों से बाहर निकलने का जो भी तरीका है ना, उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप बाहर नहीं निकलोगे। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को करता हूँ, आप समझो, आप सही तरीके से समझ पाओगे
और सही ढंग से आप अपने लाइफ में इस चीज को अप्लाई कर पाओगे। अगर सही में डिप्रेशन से जूझ रहे हो या डिप्रेशन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इन सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझो, आप सही से रिकवर कर पाओगे। कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अपने लाइफ में दो ही तरीके से डिप्रेशन में जाता है, इस चीज को समझ लेना। और दूसरा, और कोई बोलता है कि तीसरा चौथा कोई तरीका है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो बहुत सारा तरीका बताएगा कि एक इंसान कैसे कैसे डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन मैं जो समझता हूँ और मैं जिस तरीके से डिप्रेशन को डील किया हूँ और समझा हूँ और उस चीज़ से रिकवर करके बाहर निकला हूँ, मैं बस दो ही तरीके से समझता हूँ कि एक इंसान दो ही तरीके से डिप्रेशन में जाता है, उस चीज़ को समझना है। सबसे पहले नंबर में जो चीज़ आता है उस चीज़ को समझते हैं कि क्या है। जब एक इंसान किसी को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता है और इंसान उसको छोड़ के चला जाता है, उस टाइम वो पर्सन डिप्रेशन में जाता है। आप इसको दो तीन लाइन मत समझना, इसके अंदर बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे कि किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो डिप्रेशन में चला जाता है, किसी का फैमिली मेंबर में कोई अनहोनी सी घटना हो जाती है वो चला जाता है डिप्रेशन में चला जाता है, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी इंसान किसी को अगर दिल से प्यार करता है और ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता है, अगर वो इंसान उसको छोड़ के जाता है तो 100% नहीं हो सकता है, लेकिन 100% बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो उस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। और दूसरा जो कंडीशन है उस चीज़ को समझना है। एक इंसान अपने लाइफ में जो कुछ करना चाहता है, एक इंसान अपने लाइफ में जो कुछ करना चाहता है वो कभी भी नहीं कर पाता है, और जैसा वो सोचता है वैसा उसके लाइफ में नहीं होता है, इसके रिगार्डिंग वो डिप्रेशन में जाता है। और इसके अलावा कोई तीसरा चौथा तरीका नहीं होता है डिप्रेशन में जाने का। बस यही दो तरीके से एक पर्सनल सा जो भी नॉर्मल सा इंसान होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, और इसके अलावा इस दुनिया में कोई तीसरा चौथा तरीका नहीं है। क्योंकि हम जिससे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हैं अगर वो हमसे छीन जाता है तो हम डिप्रेशन में जाते हैं। अपने लाइफ में जैसा आप लाइफ को बनाना चाहते हो या लाइफ में जो सोचते हो करने के लिए वो नहीं कर पाते हो, जैसा एक्सेप्ट करते हो अपने लाइफ से वैसा कुछ नहीं मिलता है, तो 100% कन्फर्म है कि इंसान डिप्रेशन में जाता है। तो दोस्त इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना है जो मैं समझा इस चीज़ से। बहुत सारे तो पर्सन ऐसे हैं कि जैसे कि अगर उनको डिप्रेशन हो जाता है तो बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, ऐसा वैसा फलाना ढिंढना क्या क्या बकते रहते हैं, और जाते भी हैं और सही भी है, जाना भी चाहिए। मैं तो अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इसलिए मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ मैं उस चीज़ को कैसे डील किया था। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना है कि अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा यही बोलता है कि आप हमेशा अपने आप को बिजी रखो, हमेशा बिजी रखो, इतना बिजी रखो कि आपका ध्यान उस चीज़ पे जाए ही नहीं जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो। तो सिंपल सा फंडा है दोस्त इस चीज़ को समझना, आप अपने को कितना भी बिजी रख लो, आप अपने लाइफ में अपने आप को कितना भी बिजी रखो, जब भी फ्री हो गए तुम्हारे माइंड में वो चीज़ आएगा ही आएगा, 100% कन्फर्म है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं आएगा। आप पूरे दिन कहीं भी बिजी रहते हो, जब भी शाम के टाइम में फ्री होगे, रात में फ्री होगे, जब भी सोने जाओगे वो माइंड में रिलीज होगा, आप फिर उसकी वजह से परेशान हो गया, जब पूरा का पूरा रात बर्बाद होगा, सो नहीं पाओगे, परेशान होगा, आप परेशान होंगे तो कैसे सुबह का और अगला दिन अच्छा हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन मैं उस चीज़ को कैसे समझता हूँ, मैं उस चीज़ को ऐसे समझता हूँ कि अगर सही में आपको डिप्रेशन हुआ है, अगर आप डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, तो सबसे पहले तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करो। अगर कोई काम धंधा करते हो तो उस चीज़ को बंद करो, पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, क्योंकि डिप्रेशन किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से क्रिएट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बैठे बैठे इंसान डिप्रेशन में चला जाए और कोई अच्छा सब कुछ उसका सही चल रहा है वो डिप्रेशन में चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। 100% कोई ना कोई प्रॉब्लम के रिकॉर्डिंग ही आपका डिप्रेशन क्रिएट होता है। और डिप्रेशन का मतलब मैं ऐसे समझता हूँ कि डर, जब इंसान किसी चीज़ की वजह से डर जाता है, चाहे वो अपने लाइफ को लेकर या अपने रिलेशन को लेकर, किसी भी चीज़ के रिकॉर्डिंग डरेगा वो डिप्रेशन में जाएगा। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझता है, क्योंकि जब इंसान अपने लाइफ में डर जाता है तो उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या फैमिली है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो खुद डरा हुआ है कि मैं इस चीज़ के लायक हूँ या नहीं हूँ। तो सबसे पहले दोस्त अगर डिप्रेशन में गए हुए हो तो डिप्रेशन को एक्सेप्ट कर लो कि सही में मैं जिस भी वजह से आया हूँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो डिप्रेशन में जाने का वजह होता है प्रॉब्लम, आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो कि उसका सोल्यूशन क्या है। और दूसरे नंबर में जो चीज़ आता है उस चीज़ को समझना है कि आप डिप्रेशन को एक्सेप्ट करो और अपने आप को समझा लो, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि जो भी हुआ है मेरी ना मेरी गलती की वजह से हुआ है, इसके लिए उस गलती को सही करना पड़ेगा
तब जाके कहीं आप उस चीज से बाहर निकलते हो। तो डिप्रेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही सब चीजें होती है कि अगर उस चीज से बाहर निकलना है तो उस चीज को एक्सेप्ट करो और जो भी प्रॉब्लम है उस चीज का सॉल्यूशन ढूंढो, उसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे बंदे सुसाइड करते हैं, बहुत सारे पर्सन सुसाइड कर लेते हैं और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है, पूरा का पूरा फैमिली बर्बाद हो जाता है अपना, जो भी आपका डिप्रेशन है। क्योंकि डिप्रेशन का मतलब ही होता है डर। डिप्रेशन आता ही है इंसान को डराने के लिए। अगर उस डर से डर गए तो इस दुनिया का कोई ताकत आपको बाहर नहीं निकाल सकता है और इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर और कोई भी साइकेट्रिस्ट आपको डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो सबसे पहले तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि जो भी हुआ है क्या है, किस लिए और किस वजह से। जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते हो। तो दोस्त आज खुद का एक्सपीरियंस था जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने जिस चीज़ को अप्लाई किया उन सब चीज़ों को क्लियर किया। बहुत ही प्रॉब्लम होता है दोस्त इसमें, आपको नींद नहीं आती है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो आप उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि आपका प्रॉब्लम जिस भी वजह से आया हुआ है, आपका डिप्रेशन जिस भी कारण से आया हुआ है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो और उस चीज़ पे वर्कआउट करो। 100% कन्फर्म है कि आप अपने डिप्रेशन से बाहर निकल पाओगे और उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। जब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे तो इस दुनिया का कोई डॉक्टर का ज़रूरत नहीं है और किसी दवा का ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है ना, अपने आप को समझा लो कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको क्या करना है, आपके फैमिली के रिगार्डिंग आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपके रिलेशन में जो भी है उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने आप को इस चीज़ को समझा लो कि क्या है, क्यों है, किस लिए है। 100% कन्फर्म है कि डिप्रेशन से बाहर निकल पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो कोई भी डॉक्टर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो दोस्त आज खुद का एक्सपीरियंस था, मैं इस चीज़ को अप्लाई करके बाहर निकला हूँ और इसी वजह से मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ और क्या कर रहा हूँ आप देख रहे हो। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।